एवरीवन वेलकम टू अ वेरी क्विक नाइट अपडेट लूना इज फॉलिंग लाइक क्रेजी 44.8 डॉलर्स पे आ गया है एंड लूना के फाउंडेशन के साथ एक बहुत बड़ा घपला हुआ है जो मैं डिस्कस करने के का जाना चाहता था सिंस लूना इज वन ऑफ द कॉइंस जो कि मेरे पोर्टफोलियो में था बट अब मुझे लग रहा है मुझे हटा लेना चाहिए इस पोर्टफोलियो से क्योंकि दो तीन दिन ही हुए हैं एंड अब यहाँ पे हम लूना का क्या हुआ है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं फिर मैं मार्केट डिस्कस करूंगा एंड हम देखेंगे कि ये फॉल जो है कब रुकेगी ठीक है तो लूना के साथ क्या हुआ बेसिकली लूना का जो स्टेबल कॉइन है जिसका उसका मेन यूज केस है इट्स वन ऑफ़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल कॉइन जो या तो हुआ करता था यू आपने देखा होगा तो यू के लिए इनके पास रिजर्व में डॉलर होता था तो यू एस टी का और एक एल्गोरिथमिक और पैक हुआ करता था तो वो यहाँ पर शेकअप हो गया है क्योंकि मार्केट में अचानक से डंप हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे उसके कारण लूना बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं कल बनाऊँगा जब मार्केट में एक अच्छे से हमारे पास पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पॉट किया गया है लूना का बिटकॉइन मूव होता हुआ एंड एक्सचेंजेस पे जाता हुआ एंड आप देख सकते हो कि उसके कारण जो एक्सट्रीम सेल प्रेशर है बिटकॉइन को भी असर कर रहा है ठीक है साथ ही साथ अगर हम मार्केट को अभी ऑब्जर्व करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन यहाँ पे लगातार गिर रहा है एंड वो हमारे फाइनल एक्यूमिलेशन जोन पे आ गया है ट्वेंटी एट के से थर्टी एट के एरिया में जो कि हमारा एक पहले से बताया हुआ एक्क्यूमिलेशन जोन था सुबह की अपडेट में आपको बता दिया था यहाँ पर मैं बाय करूँगा इथीरियम इज़ फॉलिंग इथीरियम पर हमारा शॉर्ट चल रहा है प्रीमियम पे तो दैट इज़ डूइंग ग्रेट एस एन पी फाइव हंड्रेड इज वट इज़ गोइंग टू रियली इफेक्ट द मार्केट राइट नाउ एस एन पी फाइव हंड्रेड ने अपना एक सप ट है जो अप्रैल ट्वेंटी फर्स्ट के बाद अब जाके तोड़ा है एंड यहां पे उसका लगातार गिरना इज द मेन थिंग जो इसको ड्राइव कर रही है साथ ही साथ लूना का फर्ड यहाँ पे आ गया है डैट्स वाई मैं इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ ठीक है लूना पे मेरे पास अराउंड दस लूना है तो मेरे पास अराउंड फाइव हंड्रेड डॉलर्स का लूना यहाँ पे पड़ा हुआ है तो लूना को मैं इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर अगर लूना की कंडीशन सुबह तक सही नहीं होती है तो आई विल भी कन्वर्टिंग माई लूना इन टू थीरियम एंड मैं लूना की साइड से निकल जाऊँगा क्योंकि दिस विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम अगर लूना का स्टेबल क्वन अपना पैग अराउंड फाइव परसेंट से लूज करता है अगर आपको नहीं पता पैग क्या होता है तो बेसिकली लूना का जो स्टेबल कॉइन है यूएसडी यू वो वर्सेज यू टी मतलब कि एक यू कितने यू का है ठीक है वो यहाँ पे 94 पे आ गया है एंड ये बिल्कुल फेल कर रहा था 91 वन सेंट्स तक तो यहाँ पे पैग मेंटेन नहीं हो पा रहा है अब आपको पता है कि स्टेबल कॉइन का वैल्यू हमेशा एक डॉलर होना चाहिए एंड इनका ये पैग मेंटेन नहीं हो पा रहा है नाइन्टी सेंट्स चला गया तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली बैड एंड ये इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है ठीक है तो ये चीज़ें इस टाइम पर मार्केट में हो रही है दैट्स वाइट इतना सारा फर्ड मार्केट में आ रहा है एंड आप देख रहे हो ऑलमोस्ट हर चीज़ गिर रही है इस टाइम पर एक बहुत ही प्यारी सेफ ट्रेड जो है वो ये होगी कि हम शीबा इनू को लो लेवरेज के साथ शॉर्ट करके छोड़ दें क्योंकि एक मीम कोइन है इस मीम कोइन को यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइंस नहीं बच रहे हैं तो आपको लग रहा है मीम कोइन बचेगा नहीं बचेगा तो आई हैव शॉर्टेड माई शीबा इनू एट अराउंड टू थ्री एक्स लेवरेज एंड मैं इसको ओपन करके छोड़ दिया हूँ रफली इस एरिया से एंड यहाँ से मुझे लग रहा है इसने आराम से हमें डिसेंट रिटर्न देने आराम से ये फॉल करेगा ऊपर भी जाएगा तो टू एक्स लेवरेज में कितना ही ऊपर जा पाएगा इस मार्केट में ओके सो दैट इज़ माई प्लान फॉर दिस टाइम